हेलो एवरीवन, आज मैं एक कॉम्बो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ जो कि केले और ठंडाई से बनी हुई है। इस आइसक्रीम की विशेष बात यह है कि इसमें मैंने क्रीम का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो आइए देखते हैं यह आइसक्रीम कैसे बनती है। इस आइसक्रीम के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: दूध जो करीब 1.25 लीटर लिया है, 2 केले, शक्कर 200 ग्राम, 100 ml कंडेंस मिल्क और 100 ml ठंडाई। यह आप रेडीमेड या घर की कैसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेडीमेड ठंडाई का यूज किया है। अब हम कढ़ाई में 1.25 लीटर दूध गरम करने रख देंगे। इसमें 100 ml ठंडाई जो लिक्विड फॉर्म में है मिला दिया और उसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर दिया। दूध को उबाल आने तक के लिए गर्म करते रहेंगे। अब उसमें 200 ग्राम शक्कर मिला देंगे। शक्कर इस मात्रा में मिलाना है कि आपकी ठंडाई में अगर पहले से शक्कर है तो शक्कर को कम मात्रा में मिलाइए, और अगर ठंडाई में शक्कर नहीं मिला हुआ है तो उस हिसाब से शक्कर मिलाइए। अब ये दूध गाढ़ा हो चुका है, इसको करीब मैंने 1 घंटे तक गाढ़ा होने छोड़ दिया था। धीरे धीरे पककर अब ये दूध गाढ़ा हो गया है, ये देखिए दूध का कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तब तक हमने जो 2 केले लिए थे उसको ग्राइंडर में डाल लेंगे, उसके छोटे छोटे पीस करके डालने हैं। और उसमें करीब 100 ml दूध डाल दिया जिस अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसको मिक्सी में चला लेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से चलाने के बाद अच्छे से मैश हो गया। इधर जो हमने दूध रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने छोड़ा था उसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें मैश किया हुआ है 2 बनाना, और 100 ml कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी आप घर का भी यूज कर सकते हैं और मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे बीटर की हेल्प से करीब 30 सेकंड के लिए बीट कर देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए बीट करना है, बहुत ज्यादा देर तक हमें इसको बीट नहीं करना है। जिसके पास बीटर नहीं हो वो मिक्सर ग्राइंडर में भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। बीट करने के बाद
अब हम इसको एक कंटेनर में डाल देंगे। उसको अच्छे से कवर करके फ्रीजर में रख देंगे। अभी हम केवल 2 घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रखेंगे। अब इसको दोबारा निकालकर हमें एक बार फिर से इसको बीट करना है। इससे आइसक्रीम बहुत स्मूथ बनती है। अब इसे फिर से कवर करके और फ्रीजर में 8 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए आपकी आइसक्रीम बनकर तैयार है। यह बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट बनी है। इसको प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर से ठंडाई से गार्निश कर देंगे। यह हमारी कॉम्बो आइसक्रीम एकदम रेडी है।